तरीके से अपन ने टेप लगा लिया। तो देखिए ये लगभग अपनी वॉल कंप्लीट हो गई है और ये फाइनल टेक्सचर है अपना, देखिए। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेंट करो चैनल में। चलिए आज हम बताते हैं आपको एक साधारण सा टेक्सचर डाल के। तो देखिए ये इंची टेप की सहायता से, ये हमारा ब्लू कलर का वॉल का बेस है, तो देखिए ये इंची टेप की सहायता से एक पूरी वॉल का माप निकाल लेंगे पहले। उससे क्या है कि टेप की सहायता से हम आपको एक साधारण सा एक डिजाइन बना के बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप की सहायता से नापते हुए, और इंची टेप की सहायता से नापने के बाद दोनों वॉल पर आप बराबर बराबर निशान मार लें, जिससे कि टेप लगाने में आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये अपन इंची टेप और पेंसिल की सहायता से निशान मार के, अब देखिए ये टेप है अपना एशियन पेंट का, देख रहे हैं आप। चलिए अब अपन टेप लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अपन टेप लगा देंगे, ये टेप लगाते हुए पूरी वॉल में अपन टेप इस तरीके से लगाते हुए, देखिए देखिए ये लगभग अपन ने इस तरीके से एक तरफ से सारा टेप, अब नीचे से ऊपर की तरफ भर लेंगे अपन इसको। ये एक अपना बॉक्स टाइप का बन जाएगा, हर खाना अपना बॉक्स टाइप का बन गया। देखिए इस तरीके से अपन ने टेप लगा लिया, और टेप लगाने के बाद देखिए अपन एशियन पेंट का ये रॉयल सिल्वर है, ये 200 ml है, कोई ज़्यादा मटेरियल नहीं है, 200 ml। आप देखिए पॉलीथीन की सहायता से अपन इस पर एक साधारण सी डिजाइन बना देंगे। देखिए ले लिया थोड़ा सा, और पॉलीथीन की सहायता से अपन इन बॉक्सों में हल्की सी डिजाइन बना देंगे। इससे ये साधारण सा है, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। देखिए ये पॉलीथीन ले ली है अपने, देखिए ये पॉलीथीन है अपनी, उससे अपन इस तरीके से पॉलीथीन को मोड़ के बना लें, और इस तरीके से अपन इसमें, अब देखिए बीच में बॉक्स में इससे बॉक्स भरते हुए चलेंगे रॉयल सिल्वर। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अपन डालते हुए पॉलीथीन की सहायता से, देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों अपन सारे बॉक्स भर देंगे। ये अपना रॉयल सिल्वर कलर है, तो देखिए ये अपनी डिजाइन बनती हुई देख रहे हैं आप इस तरीके से। ये सारे बॉक्स अपन इसी तरीके से भर देंगे, देखिए ये अपने सारे बॉक्स भरते हुए रॉयल सिल्वर कलर है ये अपना, देखिए। रॉयल सिल्वर के बाद अपन इसमें डालेंगे मिक्स के लिए कॉपर कलर। तो देखिए ये कॉपर कलर है, ये बर्जर का है सिल्क, ये कॉपर है, देखिए मेटेलिक कॉपर। थोड़ा सा मटेरियल और ले लेंगे, तो देखिए ये 200 ग्राम का अपन ने मटेरियल लिया था, ये 200 ग्राम में ही सारा आपका टेक्सचर कंप्लीट हो जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से देखिए ये भी पॉलीथीन की सहायता से अपन इस पर हल्की हल्की डिजाइन मार देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों मटेरियल चाहे बर्जर का हो, चाहे एशियन का हो, चाहे नैरोलैक का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए हमने रॉयल सिल्वर जो है वो एशियन का था, और अपना कॉपर मेटेलिक जो है वो बर्जर का है। तो हमारे जो टेक्सचर डालते में जो मटेरियल बच जाता है, तो बचे हुए मटेरियल से हम देखिए इस तरीके की डिजाइन बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा अपना खर्चा भी नहीं है, देखिए अपन ने कुछ नहीं किया है इसमें। वॉल हमारी ब्लू कलर की पहले से थी, और इस पर हमने टेप की सहायता से बॉक्स बना दिए हैं, और रॉयल सिल्वर से बॉक्स भर दिए हैं। और आप देखिए ये अपना कॉपर बर्जर का मेटेलिक कॉपर पेंट है, उससे अपन ये बीच में डिजाइन भरते हुए, तो देखिए लगभग ये डिजाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए ये अपना लगभग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आपको बताएंगे हम इसकी टेपिंग कैसे हटानी है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा टेप हटाने में सावधानी बरतें, जिससे कि अंदर का पेंट ना निकल जाए, और अगर थोड़ा बहुत पेंट कहीं निकल जाए तो ब्लू कलर से उसकी टचिंग कर दें, जो बेस कलर है उसका, जो बेस कोट है। ये अपने टॉप कोट सिल्वर रॉयल टॉप कोट है, और अपना बर्जर का जो मेटेलिक कॉपर है वो भी टॉप कोट है। ये टॉप कोट फाइनल होते हुए, देखिए अगर कहीं बेस कोट थोड़ा बहुत टेप से निकल जाता है तो आप उसकी बाद में टचिंग कर सकते हैं उसी कलर से, देखिए ये फाइनल होते हुए। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी वॉल फाइनल दिखेगी आपको, देखिए ये बॉक्स टाइप की डिजाइन बन गई है इसमें। तो ये लगभग आपका 3D टेक्सचर हो जाता है। ये इस तरीके से हमारे उस्ताद भाई
टेप को निकालते हुए, कितनी साधारण तरीके से कितनी प्यारी सी डिजाइन आपकी बनके तैयार हो गई है देख रहे हैं आप। कुछ लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर हमें कोई साधारण सा टेक्सचर बताइए, आप टेक्सचर की वीडियो लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने देखिए इस पर आपके लिए एक साधारण सी टेक्सचर की डिजाइन दी है। कमेंट्स में बताना मुझे कैसी लगी आपको ये डिजाइन, और भी कोई डिजाइन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मैं आपको उस तरह का टेक्सचर डाल दूंगा। देखिए ये अपनी लगभग डिजाइन तैयार हो चुकी है, देखिए ये फाइनल एक डिजाइन आपकी बनती हुई। तो देखिए ये लगभग अपनी वॉल कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आपको ये डिजाइन दिखाई दे, और ये फाइनल टेक्सचर है अपना, देखिए ये फाइनल हो गई है वॉल, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी वॉल दिखेगी। ये फाइनल वॉल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।